हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड इवनिंग एवरीवन तो आज की रीजनिंग की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है तो सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की अरेंजमेंट होती है और उनको किस किस तरीके से वो आपको किस हिसाब से पोजिशन देता है और जैसे रो वाली है तो वहां पे नॉर्थ और साउथ फेसिंग दे देगा दे सर्कल वाली है तो इन साइड आउटसाइड दे देगा दे दे या स्क्वेर पे बेस्ड होगी या रेक्टेंगल पे बेस्ड होगी बट जो आज की हमारी अरेंजमेंट होगी वो एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होगी जहाँ से हमने मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन उठाए हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा बच्चे कि सेबी ग्रेडेड ट्वेंटी ट्वेंटी का हमारा पेपर वन का बैच टू चल रहा है जो कि एक लाइव बैच है जिसमें फोर्टी डेज का एक हम क्रैश कोर्स करवाते हैं इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके दिया जाता है जिसमें अंकुर सर क्वांट पढ़ाते हैं रितिका मैम जी रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ और नरवीर सर इंग्लिश से डील करेंगे ठीक है तो इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए आप अगर चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट भी मिले तो आप 30% परसेंट का ऑफ अवेलेबल है यहां पे जिसके लिए आपको कोड यूज करना होगा लाइव 30 ठीक है और इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन पे कॉल कर सकते हैं या हेलो एट द रेट एडोट डॉट को डॉट इन पे भी जा सकते हैं ठीक है <coughs> इसके अलावा एडोटाइप ने सेबी ग्रेडेड 2020 पेपर टू के लिए भी एक एमसीक्यू मास्टर कोर्स लॉन्च किया है इस मास्टर कोर्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और फोर सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स अकाउंट फाइनेंस कंपनी मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के 5000 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज करवाए जाएंगे थ्री फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पेपर टू के लिए तो इस पे भी अगर आप 20% परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना होगा मास्टर 20 अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हेलो पर भी जा सकते हैं ठीक है भाई तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉलो तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और पॉज करके सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं ठीक है और उसके बाद जब मैं सोल्व करवाऊ तो आपको देखना है कि हमारे दोनों के तरीके में क्या अंतर रहा अगर आप उस डिफरेंस को खत्म कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी हमारा अनुभव आपको काम आएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एट पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स अमंग ट्वेल्व सेवेंटीन एटीन 15, 26, 34, 30 फोर थर्टी एंड फोर्टी बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर तो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं चलिए चॉकलेट इज ए मल्टीपल ऑफ सिक्स बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ फाइव तो जो आर के पास चॉकलेट है वो मल्टीपल ऑफ सिक्स है बट नॉट मल्टीपल ऑफ फाइव तो आर के पास देखो मल्टीपल ऑफ सिक्स एटीन और थर्टी है बट वो फाइव का मल्टीपल नहीं है तो थर्टी नहीं होगा तो मतलब आर के पास या तो ट्वेल्व चॉकलेट है या एटीन चॉकलेट है एंड सीड्स टू द सीट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ क्यू जो आर है वो क्यू के इमीजिएट राइट में बैठा हुआ है ठीक है वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड डब्ल्यू तो आर और डब्ल्यू के बीच में एक आदमी है ठीक है अब वो किस तरफ है ये हम भी नहीं जानते तो मैं इतना सा लिख लेता हूं कि आर और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है डब्ल्यू हु हैज 26 चॉकलेट तो डब्ल्यू के पास 26 चॉकलेट है डब्ल्यू इज नॉट ए नेबर ऑफ क्यू तो डब्ल्यू इज नॉट ए नेबर ऑफ क्यू इतना कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू जो है वो आर के राइट right में है क्लियर अगर डब्ल्यू क्यू का नेबर नहीं है तो डब्ल्यू इज इन द राइट साइड ऑफ आर

ड नॉट 12 चॉकलेट तो एस के पास 12 चॉकलेट नहीं है ये बात ध्यान रखिए द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एस इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एस एंड यू तो आर और एस के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं सेम नंबर ऑफ पर्सन एस और यू के बीच में भी है द सम ऑफ चॉकलेट्स ऑफ एस एंड द पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस हैज 49 चॉकलेट तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही रख लेते हैं क्लियर बच्चे तो इतनी सी जानकारी हमारे पास थी जिसके बिहार पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डायग्राम डायग्रामी पूरा पूरा, तो और 8 को इस तरीके से ले लिया ठीक है अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है यह इंफॉर्मेशन है इसके आधार पे मैंने जो कंक्लूड किया है इसको उसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो आर और एस के बीच में उतने पर्सन है जितने एस और यू के बीच में और क्यू आर के बीच में क्यू जो है वो इमीजिएट राइट right में है तो मतलब देखो टोटल एट पर्सन है अगर मैं इस information, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे देखूं तो वन और टू ये हो गए मिडल में थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो मतलब क्यू या आर की पोजिशन इधर राइट में है बिल्कुल लेफ्ट में है तो मतलब अगर मैं मान के चलूं कि Q बिल्कुल लेफ्ट में है तो R इसके इमीजिएट राइट right में होगा ठीक है R और W के बीच में एक पर्सन है तो W यहां पे होना चाहिए W और V के बीच में दो पर्सन है तो V की पोजीशन ये होगी क्लियर है भाई इतना सा हमें पता चल गया अब देखो इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जहां से हमें ये निकालना है कि बाकी लोगों की पोजीशन क्या होगी ठीक है तो एक बार फिर से अगर मैं इंफॉर्मेशन देखू यहाँ पे तो वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू हु हैज 26 सिक्स चॉकलेट डब्ल्यू इज नॉट ए नेबर ऑफ क्यू तो W is not a neighbor of Q. The sum of chocolates of R and P is equal to U. T has more chocolate than U and less than Q. Two persons sit between W and V. R and S

ट के बेस पे कुछ चेंज होता है तो हम टी और पी के प्लेस वैल्यू को चेंज कर देंगे तो एक बार हमने इनको बना लिया. अब अगर या फिर एटीन है ठीक है भाई डब्ल्यू के पास कंफर्म है कि कितनी चॉकलेट है ट्वेंटी सिक्स चॉकलेट है ठीक है अब अगर एस के पास ट्वेल्व चॉकलेट नहीं है ठीक है अब देखो सिंपली कि यहां से अगर देखें कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इधर से उसका अंदाजा लगाएं कि R प्लस पी बराबर यू है R और P के पास जितनी चॉकलेट है उतनी अकेले U के पास है क्लियर है और R के पास S से ज्यादा चॉकलेट है और S के पास 12 चॉकलेट नहीं है तो अगर R के पास S से ज्यादा चॉकलेट है तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है 12 तो मतलब R के पास 12 चॉकलेट नहीं है R के पास 18 चॉकलेट है ठीक है और R प्लस पी बराबर है किसके U के अगर R के पास 18 चॉकलेट है

तभी यू के पास कितनी होंगी 30. वरना ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होती से कहीं से भी क्लियर है बच्चे अब देखो यू से टी के पास ज्यादा चॉकलेट है और क्यू से कम है थर्टी है तो थर्टी तो से ज्यादा दो ही क्वांटिटी है थर्टी फोर और फोर्टी तो मतलब टी के पास थर्टी फोर होगी और क्यू के पास फोर्टी होगी तो टी के पास थर्टी फोर होगी और क्यू के पास कितनी होगी फोर्टी होगी क्लियर है और आर के पास एस से ज्यादा है तो आर के पास एस से ज्यादा है तो मतलब एस और वी के पास कितनी चॉकलेट होंगी अब यहां से देखना अब बच गई दो चॉकलेट हमारे थर्टी फोर और फिफ्टीन तो पंद्रह और सत्रह किसके पास है अब ये अंदाजा लगाना हमें कि किसके पास होगी और थर्टीन किसके पास होगी अब देखो उसने यहां पे क्या कहा लास्ट में द सम ऑफ चॉकलेट ऑफ एस एंड द पर्सन सीट टू द इमीजिएट राइट ऑफ एस तो एस और एस के इमीजिएट राइट right में कौन है ये? इन दोनों का टोटल 49 है तो मतलब एस के पास कितनी होगी फिर 15 तो v के पास कितनी बच गई? 70 ठीक है तो इस तरीके से हमने पूरी इंफॉर्मेशन को सोल्व कर लिया अब चलिए देखते हैं कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखो बच्चे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई यहां पे? ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगज 17 चॉकलेट तो इनमें से 17 चॉकलेट किसके पास है तो 17 चॉकलेट किसके पास है वी के पास है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हाउ मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी तो टी के लेफ्ट में कितने लोग हैं फाइव पर्सन तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी तो पी के राइट right में सेकंड कौन है भाई एस तो एस हु हैज 15 चॉकलेट या द वन हु हैज 15 चॉकलेट क्लियर है बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई देखो बच्चे फोर्थ क्वेश्चन हमारा तो फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है इफ ऑल द पर्संस आर मेड टू सीट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंड पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन डज नॉट चेंज ठीक है तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है ये पी से स्टार्ट हो रहा है आई थिंक तो ये पी क्यू आर एस टी यू वी और ठीक है तो कितने लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हुई देखो ये चेंज हो गई ये भी चेंज ये भी चेंज तो ये एक एस है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर है भाई व्हाट इज द सम ऑफ चॉकलेट ऑफ पी एंड टी तो पी और टी के पास कितनी चॉकलेट है तो पी के पास कितनी चॉकलेट है भाई ट्वेल्व और टी के पास कितनी थर्टी फोर तो ट्वेल्व प्लस थर्टी फोर कितना हो जाएगा फोर्टी सिक्स तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर है बच्चे बना सकते हैं बड़े आराम से चलिए फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ठीक है तो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के पहले वीडियो को पॉज करो भाई उस पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए उसके बाद फिर देखना कि मैं कैसे बनाता हूँ और आप में और हमारे बनाने के तरीके में क्या डिफरेंस है ठीक है तो चलो देखते हैं सबसे पहले आई जे के एल एम एन ओ आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर सम ऑफ आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ

अब देखते हैं कि रेड येलो ब्लू ब्राउन ग्रीन बट है बट वो एंड से थर्ड बैठा हुआ है अब आपको दोनों में से एक तरफ लेके चलना पड़ेगा ठीक है ओनली टू परसन सीट बिटवीन एम एंड जी जे ठीक है अब देखो कि एम अगर मैं इधर से ले लू राइट से तो वन टू थ्री तो एम यहाँ पे बैठा हुआ है भाई एम को कौन सा कलर पसंद है येलो कलर पसंद है ठीक है ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन एम एंड जे हु लाइक रेड कलर तो एम और जे के बीच में दो पर्सन है तो इधर की तरफ तो होंगे नहीं तो एम के लेफ्ट में होगा तो जे आ गया यहाँ पे ठीक है तो जे को पसंद है रेड कलर जे डज नॉट सीट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन तो जे एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ द वन हु लाइक ब्लू एंड पिंक कलर इज नॉट एन इमीजिएट हु लाइक रेड कलर तो पिंक जो है पिंक और ब्लू और पिंक रेड के इमीजिएट नेबर नहीं है ठीक है नेक्स्ट एल लाइक ब्लू कलर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ एल को ब्लू पसंद है और वो बैठा हुआ है थर्ड टू द राइट ऑफ ओ यानी ओ और एल के बीच में दो पर्सन है यहां पे ठीक है ओ और एल के बीच में टू पर्सन है देखो नेक्स्ट आगे ओ हु लाइक पिंक कलर और ओ को पिंक कलर पसंद है भाई ठीक है लाइक ब्लू कलर एंड सीट थाराइट ऑफ ओ और लाइक पिंक कलर आई डज नॉट लाइक ब्लैक कलर तो आई को ब्लैक पसंद नहीं है ब्राउन like पसंद नहीं है ठीक है एल डज नॉट सी एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन तो एल एक्सट्रीम एंड पे नहीं है तो so एल कहां पर होगा अब यह देखना हमें अगर एल एक्सट्रीम एंड पे नहीं है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूं तो अगर एल यहां पर हुआ तो ओ यहां पर होगा ठीक है तो यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बट ओ को पिंक पसंद है और देखो सिंपल सा अगर L यहां, तो है नहीं, L, यहां पे तो है नहीं अगर एल यहां होगा ठीक है या एल इस पे भी नहीं है तो एल यहां हो सकता है सिंपल सी बात है लेकिन अगर एल यहां होगा तो ओ यहां होगा और ओ को पिंक पसंद है बट जो पिंक है वो रेड का नेबर नहीं है तो मतलब कि एल यहीं पे है यहां पे ओ है तो एल यहां पे होगा और यहां पे ओ होगा बाकी सारी पॉसिबिलिटी से खत्म होगी तो यानी कि L को पसंद है ब्लू और यहां पे o को पसंद है पिंक o को पसंद है पिंक। तो ये पोजिशन बन गई भाई हमारे पास अब आगे देखें ओ इज साउथ तो ओ साउथ को फेस कर रहा है तो ओ का फेस साउथ की तरफ है तो हमने साउथ की तरफ बना दिया एन नाइदर लाइक ब्राउन नॉर ब्लैक तो एन को ना तो ब्राउन पसंद है और ना ही ब्लैक पसंद है भाई ठीक है ध्यान रखिए नेक्स्ट द इमीजिएट द सेम डायरेक्शन एज एल तो जो एल की डायरेक्शन है तो इमीजिएट नेबर ऑफ जो एल के इमीजिएट नेबर उनकी भी सेम डायरेक्शन है भाई ये भी लिख लिया हमने पॉइंट नेक्स्ट देखो आई सीड्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन तो आई वन ऑफ द एक्सट्रीमेंड है और एल सीड्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एन तो एल जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ एन है ठीक है एल अगर सेकेंड टू द राइट ऑफ एन है तो अब यहां से अगर देखें ये गलत तो नहीं बना दिया हमने थोड़ा सा अगर द इमीजिएट द सेम डायरेक्शन एज हैल और आई सीट वन ऑफ द एक्सटीमेंट ऑफ द लाइन अगर आई यहां पे हुआ ठीक है और एल सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एन तो एल तो होगा ही नहीं राइट ऑफ एन समझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने यहां पे तो इसको चेंज कर लेते हैं देखो तो अगर मैं इसको एल को यहां भी तो बना सकता हूं अगर हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बना दें कि एल यहां पे होगा और ओ यहां पे होगा ठीक है तो जो एन है वो यहां पे हो जाएगा फिर समझ रहे हैं तो एल का था भाई ब्लू और ओ ले लिया ये था ठीक है अब सही हो जाएगा तो एल सिट right with राइट ऑफ एन एंड तो अपोजिट डायरेक्शन एन की अपोजिट डायरेक्शन है भाई ठीक है तो अगर एल एन के राइट right में एल sits सेकेंड टू द राइट ऑफ एन तो अगर ये राइट right है तो मतलब एन का फेस साउथ में है ठीक है और ओ का फेस भी साउथ में था और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो एल की फिर एल का फेस किधर की तरफ होगा नॉर्थ की तरफ और जो एल के पड़ोसी है एल के जो नेबर है उनका भी फेस उसी साइड में तो इनका भी फेस इसी साइड में होगा तो आई जे के बच गया तो के आ जाएगा यहाँ पे भाई ठीक है तो आई और जे का फेस नहीं हमें पता किस डायरेक्शन में है। बाकी सारी पॉसिबिलिटी तो हमने बना ली अब कलर की बात करें देखो अब आई को ब्लैक पसंद नहीं है भाई के को ब्राउन पसंद नहीं है और एन को ब्राउन और ब्लैक पसंद नहीं है देखो तीन कलर बचते हैं हमारे पास ब्लैक ब्राउन और ग्रीन ठीक है तो अगर एन को ब्राउन और ब्लैक पसंद नहीं है तो एन को ग्रीन पसंद होगा भाई एन को कौन सा कलर पसंद होगा ग्रीन और आई को ब्लैक पसंद नहीं है तो आई को ब्राउन पसंद होगा तो फिर ब्राउन ब्लैक किसके लिए बच गया के, के लिए तो के, के लिए क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा तो इस इंफॉर्मेशन को हमने सोल्व कर लिया तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के हमसे पूछे गए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो बच्चे सबसे पहले यहाँ क्या हु देश द सेम डायरेक्शन एज एन तो एन की डायरेक्शन क्या है भाई साउथ और की डायरेक्शन भी साउथ है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखें हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जे एंड तो जे और ओ के बीच में कितने पर्सन है One, two, three, four. तो ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर एट द फॉलोइंग इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ जे अब देखो जे की पोजीशन हमें पता ही नहीं है कि जे का फेस साउथ की तरफ है कि नॉर्थ की तरफ है तो यहां से हम नहीं बता सकते तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉलोइंग लाइक ग्रीन ग्रीन कलर कलर तो किसको पसंद है एन को तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हाउ मेनी पर्सन फेस इज द नॉर्थ डायरेक्शन देखो नॉर्थ को ये तीन लोग तो फेस कर ही रहे हैं लेकिन आई और जे के बारे में कंफर्मड ही नहीं है तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्लियर है बच्चे बना सकते हैं बड़े आराम से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चे तो सबसे पहले आपको फिर से वीडियो को करके पहले खुद से बना के देखना है कि क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे ठीक है।, है तो चलिए फिर सोल्व करते हैं देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे आर स्टैंडिंग इन ए क्यू फेसिंग नॉर्थ तो टेन पर्सन है तो मैंने इस तरीके से टेन पर्सन ले लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है भाई

और G और B के बीच में कितने पर्सन है थ्री पर्सन तो वन टू थ्री तो G यहां पे होगा ठीक है और B स्टैंड आइदर एट द दिगिनिंग और एट द एंड तो ये देखो ना कि G स्टैंड B अगर B को एंड में ले लेंगे तो G फिर उससे आगे आ जाएगा फिर बिहाइंड का क्या मतलब हुआ तो मतलब B आगे ही है क्लियर है नेक्स्ट देखो तो ई स्टैंड टू G तो E जो है वो एडजस्ट टू G है मतलब या तो E यहां पे है या E यहां पर थ्री पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड आई एज मैनीसन स्टैंड बिफोर ई एज स्टैंड आफ्टर जे तो ई e और आई के बीच में भी थ्री पर्सन है अब यहां से एक पोजिशन है कि आपको वही लेके चलनी पड़ेगी कि ई e की पोजिशन क्या है देखो अगर एज मैनी पर्सन स्टैंड बिफोर ई अगर मैं ई e को यहां ले लूंगा तो आई की पोजिशन यहां हो जाएगी जाकर के समझ रहे तो इनसे तो पहले जितने लोग होंगे वो संभावना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इसलिए मैंने आई की पोजिशन ई e की पोजिशन ये ले ली ठीक है तो ई e और आई के बीच में थ्री पर्सन है तो वन टू थ्री तो आई यहां पे होगा भाई I आ गया यहां पे अब इसके बाद देखो जे ई e, e से पहले जितने लोग हैं वन टू थ्री जे के बाद भी उतने लोग हैं तो वन टू थ्री मतलब जे की पोजीशन ये होगी भाई क्लियर है फाइव पर्सन स्टैंड बिटवीन डी एंड एच और एच स्टैंड बिहाइंड तो मतलब डी इधर की तरफ है एच उधर की तरफ है तो दोनों मैं मान के चलू कि एच की पोजिशन ये है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो डी यहां पे होगा क्योंकि यहां तो हो नहीं सकता डी वरना एच यहां जाएगा तो दो ही पॉसिबिलिटी तो यहां हो यहां हो या फिर यहां, यहां, यहां हो नहीं सकता डी देखो सिंपल सी चीज है मैंने d और h को यहीं क्यों लिया ठीक है एक बार मैं फिर से बता देता हूं देखो अगर हम d और h को यहां ना लें तो अगर मैं d को लूं अगर मैं h को लूं यहां पे तो 1 2 3 4 5 तो यहां पे h आएगा और d आएगा सॉरी तो यहां पे d हो नहीं सकता तो और मेरे पास क्या ऑप्शन है भाई तो फिर मैं कहां पे लूंगा इसको यहीं पे लूंगा h को अगर h यहां पे है तो d

ठीक है बच्चे अब देखो नेक्स्ट आगे एम स्टार एंड मीन एम रिसीव मोर इनकम देन बी तो स्टार का मतलब है ज्यादा एम एंड का मतलब है एम रिसीव लेस इनकम देन तो एंड का मतलब है लेस एम परसेंटेज एंड मीन एम रिसीव सेम इनकम तो परसेंटेज का मतलब है इक्वल क्लियर है तो अब देखो डी परसेंटेज एच तो डी परसेंटेज का मतलब डी बराबर एच तो डी इज इक्वल टू एच एच स्टारी मतलब का का मतलब मतलब है तो 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 और 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 बराबर बराबर आगे जी एंड सी तो जी का मतलब जी लेस देन सी तो जी लेस देन सी तो मतलब सी ग्रेटर देन जी तो मतलब ये तो सेम ही बात होगी पहले ऑलरेडी ले लिया हमने परसेंटेज आई तो सी और आई बराबर है इक्वल है तो ये हमने ले लिया और ई स्टार ए तो इज e ग्रेटर तो e है तो मतलब मैं कह सकता हूं कि कि से भी greater है, समझ रहे कि समझ रहे रहे हैं तो G भी greater होगा तो A नेक्स्ट है ए स्टार जे तो इज ग्रेटर जे परसेंटेज एफ तो जे इज इक्वल टू एफ ठीक है भाई नॉट मोर देन थ्री परसेंट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ इनकम तो ये पूरी की पूरी हमने जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास उसको बना लिया उसको सोल्व कर लिया है बच्चे अब देखना है कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं यहां तक डाउट तो नहीं होगा किसी को भी ठीक है बड़े आराम से अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं साथ के साथ देखो जो जो भी इंफॉर्मेशन थी थोड़ा सा देखो रिस्की तो होता है ये क्वेश्चन मतलब एक आदमी दो पोजीशन पे हो सकता है तो थोड़ा दिमाग तो थो लगाना पड़ेगा आपको बट बनाना आसान है इजीली बना सकते हैं आप ठीक है भाई चलो तो अब क्वेश्चन देखते हैं किस पे किस टाइप के क्वेश्चन जो है उसने हमसे पूछे हैं ठीक है चलिए तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन तो इलेवन नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ईए एंड F तो देखो हमारे पास जो इनकम थी वो टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव सेवन और टेन से इनकम तो मतलब कितनी होगी फाइव थाउजेंड तो ई e की भी फाइव थाउजेंड और बी की भी कितनी होगी 5000 तो सी की कितनी होगी बी से ज्यादा मतलब 7, तो एच की कितनी होगी इससे ज्यादा यानी 10000 और डी की भी कितनी होगी 10000 क्लियर है भाई और जो सी है वो ई e के बराबर है तो सी की इनकम कितनी है 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 तो I की की इनकम इनकम भी कितनी है? 7, ये क्वेश्चन में गिवन था कि इन सब की जो इनकम है वो 2, 3, 5, 7 और 10, है. इससे आगे पीछे नहीं है बट जो सेम इनकम है वो तीन से ज्यादा लोगों की नहीं है तो तीन से ज्यादा लोगों की कहीं आई भी नहीं हमारे पास क्लियर है टोटल इनकम रिसीव बाई एफ तो ए e, और एफ की देखो भाई e के पास e की इनकम कितनी है फाइव ए की कितनी है थ्री और एफ की कितनी है टू तो फाइव थ्री एट प्लस टू टेन थाउजेंड तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट की बात करें बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ सी एंड जे तो सी और जे की इनकम में डिफरेंस देखो भाई सी की कितनी है सेवन थाउजेंड जे की कितनी है टू थाउजेंड तो दोनों में अंतर कितना होगा फाइव तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीमेंट तो एक्सट्रीमेंट पे कौन बैठा हुआ है बी और सी तो बी और सी में से कोई भी एक गिवन होगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन ए आंसर सी हुइंग हाइएस्ट इनकम किसको मिला है डी और एच को तो यानी ऑप्शन में एच है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द अमाउंट ऑफ इनकम एलोन तो एलोन कौन है ए है जिसको थ्री थाउजेंड मिली है वरना जे और टू मिली है इनको 5 मिली है सी वाले भी टू है और टेन वाले भी टू है तो आ, अकेला कौन है ए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर है बच्चे बना सकते हैं बड़े आराम से तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को भी किसी प्रकार का डाउट होगा ठीक है भाई तो चलिए आगे बढ़े चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई स्टडी द इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस गिवन बिलो तो कुछ इंफॉर्मेशन फिर से आपके पास है जिसे आपको रीड करना है और बनाना है और फिर मैच करेंगे देखेंगे कि किसका सही है तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और तीन चार मिनट है आपके पास फिर उसको बनाइएगा तो क्वेश्चन है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सीटिंग सर्कुलर टेबल विच एज्रेंड्स ऑफ फाइव फोर्टी सिक्स सर्कम फ्रेंड्स पता है क्या होता है प्रीधी समझ रहे हैं यानी कि अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है ये एक सर्कल है ठीक है तो ये इसकी सर्कम फ्रेंस है पूरी ठीक है ना तो ये इसकी सर्कम फ्रेंस है सेंटीमीटर तो ऑल द द आर फेसिंग सेंटर दे आर अब अब यही नहीं पता कि कितने पर्सन है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोल दिया उसने तो तो दे आर सिटिंग एट डिस्टेंस टू ईच अदर विच आर कॉन्जिव मल्टीपल ऑफ सिक्स मतलब सभी के बीच में सिक्स सिक्स का डिफरेंस है ठीक है अब देखो सिंपली एफ इज थर्ड टू G. तो उसने कहा जी F है वो left of third, G के लेफ्ट में थर्ड है तो अगर मैं ये ले लूं, one, अब देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि उसने कहा तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि टोटल पर्सन है कितने टू पर्सन आर सीटिंग बिटवीन एच एंड जी आई इज इमीडिएट राइट टू जे के सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल एट ए डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी टू मीटर

कि जो सबसे लास्ट एक अल्फाबेटिकली नंबर देखो ना वो एम है और एम होता है कितना थर्टीन क्लियर है एम होता है कितना थर्टीन तो हो सकता है कि टोटल पर्सन थर्टीन हो तो एक बार बना के देखते हैं कि वन अगर देखें तो थर्टीन है तो अगर इधर वन टू थ्री फोर फाइव और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल पर्सन हो गए थर्टीन ठीक है अब अगर टोटल पर्सन थर्टीन है और देखो सबसे पहले एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी अगर मैं कहूँ की ऑफ जी है ये एफ है जो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है तो मतलब जी यहां पे होगा यानी इन सबके बीच का जो गैप है ना ये गैप है ये सिक्स सिक्स का है भाई तो अगर ये सिक्स है तो मतलब पहली टर्म यहाँ पे सिक्स होगी तो थर्टीन लोग हैं तो लास्ट टर्म कितनी होगी सेवेंटी एट तो जो लास्ट गैप आएगा इन दोनों के बीच में वो आएगा 78 तो अगर n 13 है तो सम का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि n by 2 into a plus l सम होता है किस में ए.पी सीरीज में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस में जहां कॉमन डिफरेंस दिया हो यानी कंजुगेटेड डिफरेंस जहां दिया हो तो n की वैल्यू अगर मैं 13 लेके चलूं और a हमारा 6 और l कितना है भाई l है 78 तो सम हमारा आना चाहिए कितना 546 तो अब 13 2 84 तो टू से कैंसिल हो गया भाई फोर्टी टू तो थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स टू और फाइव फोर्टी सिक्स कि ये हमारा बिल्कुल सही है ये मैंने एक फॉर्मूले से चेक कर लिया ठीक है तो अब सबके बीच में छेचे का डिफरेंस है तो यहाँ बारह हो ट्वेंटी फोर ये थर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी टू फोर्टी एट फिफ्टी फोर सिक्सटी सिक्सटी सिक्स सेवेंटी टू और सेवेंटी एट ठीक है भाई क्योंकि सबके बीच में सिक्स सिक्स है तो ये एफ से ये जो सेकंड पॉइंट है ये पॉइंट ये ट्वेल्व पे है ये पॉइंट किस पे है एटीन पे है ये कॉन्जुगेटिव सब में इंडिविजुअली सिक्स का ही है चलो अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और देखते हैं फिर किस टाइप की चीजें पूछी है पूछिए लैपटॉप जी टू पर्सन आर सीटिंग बिटवीन एच एंड जी एच और जी के बीच में टू पर्सन है अब तो दो पर्सन तो यही हो गए एक तो ये एक ही है एफ और जी तो मतलब दो पर्सन एफ और जी में हो गए तो मतलब एच यहां तो नहीं है तो एच इधर इधर होगा वन टू तो एच होगा इधर ये आपका एच है ठीक है भाई तो अंदर की तरफ ले लेता हूं मैं जी और ये एफ ठीक है नेक्स्ट अगर देखें आई इज इमीजिएट राइट टू जे जो आई है वो जे के इमीजिएट राइट right में है ठीक है के सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एल जो के है वो इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एल है भाई ठीक है एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर दोनों में अंतर है 72 का अब देखो तो 72 मीटर तो ये रहा समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं तो मतलब l जो है वो लेफ्ट में है तो l राइट right में है k k तो मतलब k ये होगा भाई और ये l होगा क्योंकि 72 के डिफरेंस पे है 72 मीटर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो l 72 पे हो गया और k हो गया और जो k l के लेफ्ट में भी है ठीक है नेक्स्ट देखें तो ये इंफॉर्मेशन सोल्व होगी द डिस्टेंस बिटवीन f एंड m इज 18 तो f और m में 18 का डिस्टेंस है भाई तो m यहां पे आ जाएगा एफर एफ में एटीन का डिस्टेंस है द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन ई एंड इज सेम एज डी एंड सी तो ई e और डी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं डी और सी में भी उतने e ही है तो आगे देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड फाइव तो एलसीएम ऑफ सिक्स एंड फाइव तो एलसीएम ऑफ सिक्स एंड फाइव कितना होता है भाई थर्टी होता है तो बी और सी में थर्टी का डिस्टेंस है तो बी और सी सी यानी थर्टी पे होगा ठीक है तो ये हो गया हमारा सी और ये हो गया बी ठीक है भाई क्योंकि ये दोनों 30 के डिफरेंस पे है नजर तो आ रहा है ना सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे किसी टाइप की चलिए ना इधर आई नोर जे इज नेबर ऑफ एच एंड के तो एच और के के आई और जे नेबर नहीं है मतलब आई और जे यहां तो नहीं है भाई तो फिर आई और जे कहां पे होंगे तो जे जो है वो लेफ्ट में है आई के तो फिर जे और आई कहां पे बनाएंगे ठीक है क्योंकि ये नेबर नहीं है एच और के ठीक है तो जे और नाइदर आई नोर जे इज नेबर ऑफ एच एंड के तो फिर ये यहां पे नहीं होंगे एच और के तो फिर के हमने ओ तेरी यार थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने ना ये जो तो एफ है ये सेवेंटी एट है तो मतलब के यहाँ पे लेना था ये एल और के यहाँ पे आ जाएंगे भाई थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया हमने तो एल और के को इधर कर दो ये एल है और ये के है क्योंकि ये सेवेंटी टू है ये सिक्सटी सिक्स है समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं ये सिक्सटी है ये पॉइंट थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया ठीक है या मैं इनको दोबारा से लिख देता हूं जो संख्याएं हैं उनको साफ कर देता हूँ यहाँ पे मैंने सारे नंबर हटा दिए इनको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो ये लिख देता हूं एफ तो सेवेंटी एट हो जाएगा ये सिक्स ये ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी और ये थर्टी सिक्स ये फोर्टी टू फोर्टी एट ये फिफ्टी फोर ये 60, ये 66 और ये 72. ये इस तरीके से थे भाई चलो फिर से देखो तो जे और आई आईधर जे और आई तो और जे इज नेबर ऑफ एंड ने तो एच और के नेबर नहीं है तो मतलब यहां और यहां नहीं है तो यहां होंगे फिर और जे जो है वो आई के लेफ्ट में है तो जे यहां पे आ जाएगा और आई यहां पे आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन ए एंड जी इज ए और जी के बीच में जितने पर्सन है सेम इज एज बिटवीन जी एंड बी तो जी और बी के बीच में भी उतने पर्सन है तो देखो जी और बी के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं है भाई जी और B के बीच में तो कोई भी भी पर्सन नहीं है ये भी हमने उल्टा तो नहीं ले लिया जी और बी के बीच में तो कोई भी पर्सन है ही नहीं यहां पे तो सी और ये इंफॉर्मेशन देखो कहीं भी सी और बी वाली स्टार्टिंग से एक बार दोबारा देख लेते हैं टू पर्सन आर सीटिंग बिटवीन एच एंड जे जी इज इमीजिएट राइट टू जे सीट टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एल तो डिस्टेंस ऑफ सेवन टू दिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एम इज एटीन एन का नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन ई एंड डी सेम एज डी एंड सी तो ई और डी so, e so, e के बीच में जितने पर्सन है उतने ही डी और सी के बीच में है तो ई एंड डी ये तो अभी हमने लिया ही नहीं कहीं भी ये इंफॉर्मेशन बाकी है नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड 5 तो और में और 6 और है तो यानी कि सी थर्टी होना चाहिए तो बस इसको ऊपर नीचे कर देते हैं थोड़ा सा यही चेंज करना था बस यहीं पे क्योंकि ये हमसे रोंग हो रहा था अगर मैं इसको सी ले लेता हूं तो ये बी हो जाएगा भाई यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बस क्योंकि A और G के बीच में जितने लोग हैं जी और बी के, तो के, तो के बीच में जितने पर्सन है तो डी यहाँ पे हो जाएगा ई e और डी के बीच में भी उतना ही है तो ई e यहाँ पे हो जाएगा बस इतने से ही हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया ठीक है तो द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जी इज नॉट मोर देन 160 तो h और g के बीच में 160 से 2 से ज्यादा नहीं है आइदर b और f इज नेबर ऑफ h तो b और f इज नेबर ऑफ h तो b देखो यहाँ पे इसलिए भी चेंज किया हमने c को b से क्योंकि b और h में से b और f में से कोई h का नेबर है ठीक है तो b हो जाएगा f तो हो नहीं सकता क्लियर है भाई तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास जिसको हमने सॉल्व कर लिया अब देखते हैं किससे क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछे हमसे चलो भाई तो देखो क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी तो डी और सी के बीच में डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई तो डी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है तो कितना भाई थर्टी प्लस थर्टी प्लस यहां से देखेंगे तो ये ट्वेंटी फोर थर्टी और थर्टी सिक्स तो कितना हो जाएगा भाई ऐड कर देंगे ना डी और सी के बीच में ये थर्टी और फोर्टी टू सॉरी थर्टी प्लस थर्टी सिक्स प्लस डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट देखो भाई हु फॉलोइंग इमीजिएट के इमीजिएट नेबर कौन है भाई e ये है तो आई और के तो के और आई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हु फॉलोइंग right फोर टू द राइट ऑफ द वन the लेफ्ट ऑफ एफ तो एफ के लेफ्ट में सिक्स तो एफ के लेफ्ट में सिक्स एफ कहा लेफ्ट में सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और डी के राइट में फोर्थ तो डी के राइट में फोर्थ 1, 2, 3, 4. तो के इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन के एंड जे तो के और जे के बीच में डिस्टेंस देखो तो के और जे के बीच में फिफ्टी फोर सिक्सटी और सिक्सटी सिक्स को अगर एड करेंगे तो तीनों का सम होगा फिफ्टी फोर सिक्सटी और सिक्सटी सिक्स तो वन एटी इन तीनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फोर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ग्रुप फाइंड दैट डज़ नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप तो डी ए तो डी और ए देखो ये रहा डी और ये ए तो दोनों के बीच में थ्री, 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 है भाई। आई ए, तो, आई और तो ये आई और ई के बीच में कितने फोर परसेंट है जी एम अगर बात करें तो जी और एम एक साथ है भाई तो डी और ए जी एम आई और ई सॉरी तो आई और ई e तो दोनों एक ही साथ है ना आई और ई e दोनों एक साथ है डी और ए एक दूसरे के अपोजिट है जी और एम जी और एम भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं एच और बी एच और बी भी साथ हैं जे और आई ये भी साथ है तो मतलब डी और एक दूसरे से दूर है तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे क्लियर है तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से ठीक है बच्चे चलिए तो थैंक यू वेरी मच भाई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको ठीक है तो सीटिंग अरेंजमेंट को अगर आपको आसानी से सोल्व करना है तो इसका एक ही साधन है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप सोल्व करते चलेंगे ठीक है कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो हमें सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो इस बात का भी ध्यान रखो बच्चे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको टाइम की रिक्वायरमेंट है लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपके एग्जाम में सुबह थर्टी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन थर्टी क्वेश्चन में से फिफ्टीन क्वेश्चन इजी होते हैं और 15 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होंगे और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट टू हाई लेवल के होंगे समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं और मिनट आपके पास सुपोज 20 मिनट है इनको सोल्व करने के लिए लेकिन आप क्या करते हो इन 15 क्वेश्चन को सोल्व करने में ही 15 मिनट लगा दोगे ठीक है तो यहां से हमें टाइम सेव करना यानी इन 15 क्वेश्चन को करने में हमें 6 -7 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए तो तभी आप जा करके इन पंद्रह क्वेश्चन जो थोड़े हार्ड लेवल के हैं उनके लिए चौदह से पंद्रह मिनट तेरह से चौदह मिनट निकाल पाओगे समझ रहे हैं किन समझ रहे हैं तो कोशिश करिए कि इजी क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में निपटा पाए और मुश्किल क्वेश्चंस के लिए फिर टाइम बचे और वही चीज जो है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक फेलियर कैंडिडेट जो होगा उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगी ठीक है तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा किसी भी टाइप का डाउट है तो आप जरूर भेजिएगा डिस्कशन फॉर्म पे और अगर आपको हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन पे कॉल करिए या यान पे जाइए ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आप सबका भाई बहुत बहुत शुक्रिया